फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स बीपीएससी 3.4.0 कंप्यूटर साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करेंगे बीपीएससी 3.4.0 के लिए। और आपका 3.3.0 में चैप्टर वाइज एनालिसिस करेंगे 21 चैप्टर का कितना क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ठीक है, तो आपके लिए एक गुड न्यूज़ भी था जिसको हम मॉर्निंग में एक वीडियो डाले थे, जिसमें आपका अब जो है आपका 26,000 वैकेंसी जो है आपका कंप्यूटर साइंस में आने वाली है। 4.0 में भी आएगा और 5.0 में भी आपका वैकेंसी आएगा। ठीक है, तो अप्रॉक्स आपका 26,000 प्लस वैकेंसीज आपको सिर्फ 9-10 में आपको आ रही है इस बार। ठीक है, इसीलिए आप तैयारी में अच्छे से लग जाए। और इससे और उसके बाद 26,000 सिर्फ आपका 9-10 में आएगी। उसके बाद आपका अभी जो आपका 11th 12th का भी सीट बचा हुआ है उसको भी जो है आपका इसी में फिल किया जाएगा। ठीक है, तो आपके 11th 12th में वैकेंसी रहेगी और आपका 9th 10th में भी आपका वैकेंसी रहेगी। तो इसीलिए जो आपका पहले कंप्लीट सिलेबस जानना जरूरी है कि आपका किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, और उसका पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ के जाना है कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो आप जो है वहाँ पर सोल्व कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप एक कॉपी कलम लेकर बैठे और सारा टॉपिक को आप नोट कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं कंप्लीट सिलेबस 80 मार्क्स का जो है जो आपको पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग 40 मार्क्स का भी वीडियो बना देंगे कि 40 मार्क्स में आपको क्या क्या चीज़ पूछा जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो चाहिए 40 मार्क्स वाला तो आप कमेंट करके बतला सकते हैं। तो पहले आप नोट कर सकते हैं जो आपका पहला चैप्टर है आपका OOP C++ प्रोग्रामिंग। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आपको देखने को अच्छा खासा मिला था 1.0 में, उससे कम 2.0 में मिला, और उससे भी कम आपका 3.0 में भी देखने को मिला। 3.0 में बहुत ही कम क्वेश्चन था आपका C++ का और OOP का। ठीक है, लेकिन आपका यह इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद आप नोट कर सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स। ठीक है, और उसके बाद आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम भी बहुत ही अच्छा खासा जो इस बार वेटेज था आपका 3.0 में, कितना क्वेश्चन पूछा गया वो भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका DBMS है। ठीक है, उसके बाद आपका डेटा स्ट्रक्चर्स, नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स, नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर फंडामेंटल्स। ये जो आप 7 टॉपिक देख रहे हैं ये आपका 3.1.0 2.0 में सेम पूछा गया था। 1.0 में तो आपका सिर्फ इतना ही टॉपिक था, 2.0 में भी आपका सिर्फ इतना ही टॉपिक था, सिर्फ आपका 3.0 में और टॉपिक जो इसमें ऐड हुआ है। ठीक है, तो पहले आप ये 7 टॉपिक नोट कर ले, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे देखिए, उसके बाद आप 8 नंबर से नोट कीजिएगा। ठीक है, जो आपका एडिशनल टॉपिक जो आपका 3.0 में आया है उसको आप नोट कीजिए। 7th के बाद आप 8 नंबर में डाल लीजिए चैप्टर आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये आपका 4.0 में भी इससे आपका क्वेश्चन देखने को अच्छा खासा मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट है डिजाइन एनालिसिस एंड एल्गोरिथम्स। ये अभी आपका न्यू टॉपिक ऐड हुआ था बीपीएससी 3.0 में। उसके बाद आपका वेब टेक्नोलॉजीज, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशंस, कंपाइलर डिजाइन, AI एंड मशीन लर्निंग, जावा का भी क्वेश्चन आया है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ट्री आपका डेटा स्ट्रक्चर्स का ही पार्ट है, तब जो आप डेटा स्ट्रक्चर नोट कर लिए उसी में आपका ट्री आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप सर्चिंग एंड सॉर्टिंग एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिविटी नोट कर लीजिए, यह भी आपका इंपॉर्टेंट है। यह भी आपका डिजाइन एनालिसिस एंड एल्गोरिथम का ही पार्ट है। ठीक है, जो यहाँ पे हम लोग देखे हैं कि डिजाइन एनालिसिस एंड एल्गोरिथम इसी में आपका आता है सर्चिंग सॉर्टिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है ई कॉमर्स भी आप नोट कर लीजिए, ई कॉमर्स का भी जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका है मल्टीमीडिया। ठीक है, तो उसका जो 7 टॉपिक बतला उसके बाद ये सारा टॉपिक आप नोट कर लीजिए। तो जितना टॉपिक आपका हुआ इस टॉपिक से बाहर आपका सिर्फ एक ही संभावना है टॉपिक पूछने का, वो आपका बच रहा है। आपका कौन टॉपिक बच रहा है? पाइथन, क्योंकि पाइथन जो है आपका NCERT के सिलेबस में मेंशन है। ठीक है, तो पाइथन जो आपका NCERT में गिवेन है, तो हो सकता है कि आपका 1.0 में नहीं आया हो, 2.0 में नहीं आया है, 3.0 में भी नहीं आया,
तो 4.0 में कहीं पाइथन का भी वेटेज दे दिया जाए, पाइथन भी पूछ लिया जाए, ठीक है, क्योंकि आप बीपीएससी है, बीपीएससी आपके एक्सपेरिमेंट करती ही है, सेम टॉपिक को वह दोबारा रिपीट नहीं करते, उससे कम वेटेज कर देती है और न्यू टॉपिक आपको ऐड कर देती है, ठीक है। तो आपको पाइथन को भी पढ़ के जाना पड़ेगा 4.0 के लिए, कहीं पूछ दे, ठीक है। तो जो स्टूडेंट पढ़ के जाएंगे वही जो है रिजल्ट फैक्टर हो जाता है, उन्हीं का रिजल्ट से जो है सारे स्टूडेंट के भीड़ से आगे निकल जाते हैं। जैसे इस बार हुआ है कि जो स्टूडेंट आईओटी पढ़े होंगे या एआई एंड मशीन लर्निंग पढ़ के गए, डिजाइन एनालिसिस पढ़ के गए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ के गए, तो ये सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन जो है आपका निश्चित हो चुका है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे, लगभग 90% स्टूडेंट वैसे थे जो सिर्फ टॉपिक 1.0 का जो पूछा हुआ था, 2.0 का जो पूछा हुआ था, सिर्फ यही टॉपिक को तैयारी करके गए थे, जिसके कारण आपको कट ऑफ पर भी प्रभाव देखने को मिलेगा इस बार। देखिएगा कट ऑफ जो है आपका उम्मीद से बहुत ही कम जाने वाली है, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट डिस्कस कर लें कि आपका कौन कौन सा टॉपिक है, कितना क्वेश्चंस पूछा गया है आपका, या आपका 3.0 का एनालिसिस है हर एक टॉपिक का, किस टॉपिक से कितना चैप्टर से आया है, जिसमें हम लोग डिस्कस करें C++ OP PHP जावा मिला के आपका 4 क्वेश्चन था, जावा का भी आपका 1 क्वेश्चन था। अगर आप 3.1.0 में देखिएगा तो C++ का सिर्फ 22 क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ठीक है। तो इसमें जो कौन चैप्टर का कितना वेटेज होगा यह अनुमान लगाना मुश्किल है, ठीक है, इसीलिए हर एक टॉपिक को पढ़ कर जाना पड़ेगा। इसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क आपका 5 क्वेश्चन पूछा गया 3.0 में, DBMS का आपका 6 क्वेश्चन आया है, ऑपरेटिंग सिस्टम का आपका 12 क्वेश्चन पूछा गया है, जो 1.0 में सफाई देखने को नहीं मिला था, 2-3 क्वेश्चन था, और 2.0 में भी आपका 3-4 क्वेश्चन था आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का, लेकिन इस बार जो आपका 3.0 में आपका 12 क्वेश्चन देखने को मिला ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसमें आपका ट्राई भी किया गया है कि आपका जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा गया FCF जो आपका डिसशेड्यूलिंग का जो था, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन था। इसके बाद आपका डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम सारा मिला के जो है आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, ट्री हो गया, सारा मिला के आपका 19 क्वेश्चन पूछा गया, मतलब बहुत ही अच्छा वेटेज आपका था डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का, जिसमें आपका ट्री भी इंक्लूडेड था, ठीक है। इसके बाद आपका वेब टेक्नोलॉजी, इससे आपका 2 क्वेश्चन देखने को मिला, IoT से 5 क्वेश्चन, या जो स्टूडेंट पढ़ के गए होंगे उनका रिजल्ट तो कन्फर्म हो गया होगा, जो एवरेज स्टूडेंट तो उनसे बहुत ही आगे निकल गए होंगे, क्योंकि IoT का आपका 5 क्वेश्चन पूछा गया है, TOC का आपका 2 क्वेश्चन पूछा गया, मल्टीमीडिया का आपका 1 क्वेश्चन पूछा गया है, ई-कॉमर्स का आपका 2 क्वेश्चन पूछा गया है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का आपका 5 क्वेश्चन, डिजिटल लॉजिक डिजाइन का आपका 17 क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि 3.0 में जो है आपका कौन टॉपिक का कितना क्वेश्चन आया, इसमें टॉपिक में आपका चैप्टर इंक्लूड कर दिए हैं, जो आप एडिशनल टॉपिक बतलाए हैं उसमें चैप्टर के अंदर का भी हम टॉपिक एडिशनल ऐड कर चुके हैं कि कौन टॉपिक से पूछ लिया गया है, ठीक है। तो आप इसको भी आप नोट कर सकते हैं कि किस टॉपिक का कितना वेटेज था, आपको बहुत ही हेल्प होगी आपका 4.0 के प्रिपरेशन में। इसके बाद 1.0 का तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि जो OOP का सिर्फ 22 क्वेश्चन था, डेटा स्ट्रक्चर का 14 क्वेश्चन था, DBMS का 12 है, COA का 12 पूछा गया था, नेटवर्किंग का 12 था, डिजिटल लॉजिक का 5 ही था और बेसिक का 3 था, 80 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ 3.1.0 में, आप यहाँ पे देख लिए होंगे। 2.0 का भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि OOP का आपका 16 क्वेश्चन था, डेटा स्ट्रक्चर का 5 ही पूछा गया था, DBMS का आपका 10 पूछा गया था, COA कंप्यूटर आर्किटेक्चर का आपका 6 क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद जो आपका नेटवर्किंग का आपका 9 क्वेश्चन था, डिजिटल लॉजिक का आपका 15 क्वेश्चन पूछा गया था और बेसिक का 13 था, ऑपरेटिंग सिस्टम का आपका 6 क्वेश्चन था, ये आपका 2.0 में पूछा गया है। 3.0 का भी देख लिए और हम लोग यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस ही आपको बता दिए कि आपका जो 4.0 जो होने वाली है उसमें आपका टोटल टॉपिक कितना पूछा जाएगा, ठीक है, आप यहाँ पे देख चुके हैं। और आपका वैकेंसी कम नहीं है, आपका वैकेंसी 26,000, कहाँ आपका 1,000 वैकेंसी, 2.0 में आपका सिर्फ 1142 वैकेंसी था, 3.0 में मात्र 909 वैकेंसी आया है, ठीक है। और आपका 4.0 में जो आपका 26,000, मतलब सारे स्टूडेंट के होने की संभावना है, जितने भी स्टूडेंट ST2 क्वालिफाइड होंगे, इस रिलेटेड भी वीडियो लेकर आएंगे कि कितने स्टूडेंट अभी ST2 क्वालिफाइड बचे हुए हैं, ठीक है, और कितना सीट आएगा उसे कंपेयर में, कितना सीट आएगा और कितना ST2 क्वालिफाइड बचे हैं, बचा स्टूडेंट जो है बचा हुआ है, ठीक है, क्योंकि आपका ST2 2019 में भी हुआ था,
23 में भी हुआ, 24 में आपका अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया वो भी आपका आ ही जाएगा, तब आपका 4.0 होगा। ठीक है, तो आपको कोई भी डाउट है अगर आपका बीपीएससी ट्री 4.0 एग्जामिनेशन से रिलेटेड या वैकेंसी से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।